नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एसएससी ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कमीशन है जो अलग अलग गवर्नमेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट करता है पूरे भारत में। जिसका नाम है एसएससी। उसी एसएससी के द्वारा एमटीएस यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल और हवलदार पोस्ट सीबीआईसी और सीबीएन में 2024 में उस एग्ज़ाम की टेंटेटिव आंसर की कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो होती है टेंटेटिव आंसर की। तो एमटीएस और हवलदार दोनों ही पोस्ट की रिक्रूटमेंट हो रही थी एसएससी के द्वारा। तो उसका जो एग्ज़ाम आप लोग सेंटर पे दे के आए हैं, पूरे इंडिया के अलग अलग शहरों के अलग अलग सेंटर पे, तो उन सभी लोगों के उस एग्ज़ाम की आंसर की कि किस क्वेश्चन के कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, वो आंसर की से पता लगेगा। और कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट होती है कि कैंडिडेट ने किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही उसकी तरफ से मान करा है, उसने टिक, वो होती है रिस्पॉन्स शीट। दोनों ही आउट हो चुकी हैं। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, भारत के सभी लोगों का। खासकर ये वीडियो भारत के सभी लोगों के लिए खास है, चाहे आप दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, सबके लिए। कहने का मतलब ये है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, पूरे भारत के लोगों के लिए इस वीडियो से खास कुछ हो नहीं सकता। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, एसएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर एमटीएस और हवलदार की रिक्रूटमेंट चल रही थी 2024 की, उसके एग्ज़ाम की आंसर कीज कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन, किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, और रिस्पॉन्स शीट कि आपने किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही करा है अपनी तरफ से, तो आपके द्वारा दिया गया आंसर और एक्चुअल में जो सही है, दोनों यानी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की दोनों आप चेक कर सकते हैं। कब से कब तक चेक कर सकते हैं उसके बारे में एक नोटिस आ चुका है, लिंक भी आ चुका है जो मैंने इस वीडियो के नीचे आपको दे दिया है। सभी का स्वागत है इस वीडियो में। जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने नए टॉपिक ड्रॉप करें और आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को वो बताएं, अपना नाम भी ज़रूर बताएं इस वीडियो में के कमेंट में, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एसएससी की वेबसाइट पर आपको 29 तारीख का नोटिस दिखेगा, इस पर आप टिक करते हो तो आपको ये नोटिस दिख जाता है। इस नोटिस पर लिखा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप लोगों का हुआ था, ठीक है जी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आप लोगों का हुआ था, तो कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था एमटीएस का यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल और हवलदार, सीबीआईसी सीबीएन एग्जामिनेशन 2024 कंडक्ट किया गया था एसएससी के द्वारा 30 सितंबर से 19 नवंबर तक। आपका एग्ज़ाम बड़ा लंबा चला है एमटीएस और हवलदार में, 30 सितंबर से, सोचिए सितंबर की 30 तारीख से अक्टूबर का पूरा महीना और नवंबर के 19 दिन, 19 नवंबर तक ये एग्ज़ाम चला है पूरे देश के अलग अलग शहरों, पूरे भारत देश के अलग अलग शहरों पर, अलग अलग सेंटर पे ये एग्ज़ाम हुआ है। तो वो इन दिनों हुआ था और इस ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था, कंप्यूटर पे लिया गया था आप सभी का। तो द कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट कि आपके द्वारा दिए गए आंसर्स और टेंटेटिव आंसर कीज अब अवेलेबल हैं दिए हुए लिंक पर जो नीचे दिया हुआ है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर इस चीज़ को देख सकते हैं। कब से कब तक देख सकते हैं तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये आप लोग चाहें तो 29 नवंबर यानी आज के शाम के 5 बजे से, सही अभी 1 घंटा ही हुआ है आंसर की को आए हुए, तो
तो 29 नवंबर के शाम के 5 बजे से 2 दिसंबर के शाम के 5 बजे तक आप इसको देख सकते हैं। किसी कैंडिडेट को लगता है कि उसके उसका आंसर सही है, किसी क्वेश्चन का उसका आंसर सही है, और जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आपके छठे क्वेश्चन का ऑप्शन बी आप करके आए हैं और अब वो सही है और एक्चुअल में आंसर की में दे रखा है ऑप्शन सी सही है, तो आप अपनी जगह पर अगर सही हैं कि आपका आंसर सही है तो पर क्वेश्चन 100 रुपये पर आप रिस्पॉन्स शीट को चैलेंज आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। लिखा भी हुआ है कि आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अगर आंसर की से जुड़े हुए रिप्रेजेंटेशन देने हैं 100 रुपये पर क्वेश्चन पे आप जमा कर सकते हैं। आपके जितने मर्जी क्वेश्चन पे आपके आंसर आपको सही लगते हैं और आंसर की में वो अलग दे रखे हैं और आपको लगता है कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे तो आप उसको चैलेंज कर दीजिए 100 रुपये पर क्वेश्चन से। मार्क्स कन्फर्म्ड बढ़ेंगे या नहीं वो तब पता लगेगा जब बाद में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स चेक करेंगे इस चीज़ को जिन्होंने आपके आंसर की बनाई थी, फिर एक अलग से फाइनल आंसर की जो आएगी उसमें जो आपके मार्क्स बन रहे होंगे एक्चुअल में वो मार्क्स माने जाएंगे। तो अभी जिसका भी रिप्रेजेंटेशन हो वो दे सकता है, बाद में जो चेंजेस आएंगे वो आपको दिख जाएंगे फाइनल आंसर की में। याद रखिएगा उन्हीं क्वेश्चन पर चैलेंज कीजिएगा जिनका आंसर आपका सही लगता है आप लोगों को और आंसर की का गलत लग रहा है, और आपको ऑनलाइन हर सोर्सेज से चेक करने पर आपका ही आंसर सही है और आंसर की का गलत है तभी उसको चैलेंज करिएगा। पर क्वेश्चन 100 रुपये देना होगा और आपका ये पैसा वापस आ जाएगा जिन जिन कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ेंगे जिन जिन क्वेश्चन पे उस क्वेश्चन के रुपये उनको वापस मिलेंगे। बाकी जिन जिन क्वेश्चन पे उनका क्लेम गलत जाएगा और मार्क्स नहीं बढ़ेगा वो क्वेश्चन का अमाउंट वापस नहीं आएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ सोच समझ के चैलेंज करना 2 दिसंबर के शाम के 5 बजे तक। कैंडिडेट इसका प्रिंट आउट ले सकता है किस चीज़ का, अपनी रिस्पॉन्स शीट का और आंसर की का। लिखा भी हुआ है आप प्रिंट आउट ले सकते हैं रिस्पॉन्स शीट का एज और आंसर की का, और ये सब कुछ आप ले सकते हैं 2 दिसंबर के शाम के 5 बजे से पहले पहले आपको ये सब करना है। तो SSC यानी भारत सरकार के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उनका यहाँ पर आपको दिख जाएगा, उनकी तरफ से नोटिस आया है आज ही आया है और यहाँ पर आपको लिंक दिख जाता है, इस लिंक पर आप टिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आई थिंक आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है तो आपका जो एडमिशन सर्टिफिकेट था एडमिट कार्ड जब आप एग्ज़ाम देने गए थे MTS का या हवलदार में आप एग्ज़ाम देने गए जब इस साल का 2024 का, तो आप लोगों ने तब एडमिट कार्ड पर एक पासवर्ड लिखा होगा आप लोगों का, या तो वो है या डेट ऑफ बर्थ है, और रोल नंबर भी आप वहीं से देख कर यहाँ पर कैप्चा भरना है 88। देखो ये कैप्चा आपको ऐसे ही भरना होगा जैसा लिखा है वैसे ही भर के लॉग इन करेंगे आप, आपके सामने आपकी आंसर की आ जाएगी, आपके दिए द्वारा दिया गया आंसर यानी रिस्पॉन्स शीट वो भी आपको दिख जाएगी, दोनों देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस आप इसमें चैलेंज भी अपना डाल सकते हैं पर क्वेश्चन 100 रुपये दे के। तो यही था आपके लिए अपडेट MTS हवलदार के लिए 2024 में जिसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। किसी का कोई पॉइंट ऐसा हो डाउट आता है वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकता है इसके रिगार्डिंग, या वो अपने आंसर की को नहीं चेक कर पा रहा, रिस्पॉन्स शीट को नहीं चेक कर पा रहा, तो वो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करे, हम उसके ऊपर भी अलग से विद एग्जाम्पल की कैसे चेक होती है आंसर की और रिस्पॉन्स शीट कैसे मिलाई जाती है उसको लेकर भी हम वीडियो आपके सामने एक और कर देंगे अगर आप डिटेल शेयर करते हैं तो। किसी का पॉइंट हो कोई पूछे, नए टॉपिक्स टॉप करे अपने कमेंट सेक्शन में हमारे इस वीडियो के, सब्सक्राइब करें और हमें अलग अलग सोशल मीडिया पर हम जहाँ जहाँ पर भी हैं चाहे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, हमें फॉलो करें, ज्वाइन करके रखें। इतना ही मैं आपसे चाहूँगा, मैं आपसे मिलता हूँ तब जल्द ही, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।